नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बैंगन आलू से आपको सरसों वाला सब्जी बनाना आपको बताएंगे। तो उसके लिए हमने बैंगन का दो फाका कर लिया है। इसी साइज़ के बैंगन का ये सब्जी बनता है। आलू को हमने एक आलू में चार फाक किए हैं, देखिए। और दो टमाटर, एक बड़ा सा चम्मच सा, एक चम्मच सरसों, एक गांठ लहसुन लिए हैं और अपना तीखा जितना आप पसंद करती हैं उसके अकॉर्डिंग मिर्चा लीजिए। तो पहले हम बैंगन और आलू को फ्राई कर लेते हैं और मसाला को पीस लेते हैं। तो चलिए गैस हम जला लेते हैं पहले। तेल डाल देते हैं, तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, आलू फ्राई कर लेते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसी में मेथी रख देते हैं। और मसाला डाल देते हैं। हम इसमें हल्दी डाल देते हैं और नमक। जार वाला पानी डाल देते हैं।
बैंगन आलू का सब्जी बनकर तैयार हुआ। देखिए इतना स्वादिष्ट और टेस्टी ये सब्जी बनता है। इस तरीके से आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए। तो चलिए हम गैस को बंद कर देते हैं और आप लोग के साथ हम सर्व कर देते हैं। तो देखिए यह बैंगन और आलू का सब्ज़ी एकदम मछली जैसा बनकर तैयार हुआ। इसे खाने में बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप लोग भी बनाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।